हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। यूपी सेट की काउंसलिंग्स जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम इसमें डिस्कस करेंगे चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। स्टूडेंट्स, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका IIT लखनऊ, BIT झांसी एंड KNIT सुल्तानपुर, यही आपके तीन टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके यूपी के अंडर जो आते हैं, यूपी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। बाकी आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी यहाँ पे जितने भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। बट जो हम चॉइस फिलिंग्स आज यहाँ पे करने वाले हैं, आप अगर उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग्स करेंगे तो आपको हो सकता है अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज या कोई प्राइवेट कॉलेज आपको यहाँ पे अलॉट हो जाए। तो आप चॉइस फिलिंग्स UPTU के स्टूडेंट्स जितने भी चॉइस फिलिंग्स कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ पे यूपी के ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारा टच ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के स्टूडेंट्स में ज़्यादा रहता है। तो स्टूडेंट्स, UPTU की काउंसलिंग्स हम लाइव यहाँ पे करने वाले हैं चॉइस फिलिंग्स, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चॉइस फिलिंग्स हमारे अकॉर्डिंग करते जाइए। बाकी आप ब्रांच का प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, नो इश्यूज। क्योंकि देखिए एक बात और, यूपी में आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या आप अगर यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर जाना नहीं चाहते, स्टेट्स को छोड़ना नहीं चाहते अपने, तो आप अपने ही स्टेट में अगर रहना चाहते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग आपके यूपी सेट की जो काउंसलिंग्स है इसमें आपको बेस्ट से बेस्ट करनी चाहिए। बेस्ट से बेस्ट कॉलेजेस की आपकी प्रायोरिटीज़ आपको सेट करने के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प कर रही हूँ, तो इस वीडियो को देखिए। चॉइस फिलिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। मैंने एक बच्चे का लॉगिन यहाँ पे कर लिया है। आप लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अवेलेबल चॉइसेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी चॉइसेस अवेलेबल जितनी भी हैं आपको यूपी सेट में, तो वो आपको सारी अवेलेबल चॉइसेस यहाँ पे दिखाई जाएंगी। प्राइवेट गवर्नमेंट सारे हैं, अगर आप बाइफरकेट करना चाहते हैं इनको भी तो आप बाइफरकेट कर सकते हैं ऑल इंस्टीट्यूट में जाके। ऑल इंस्टीट्यूट में जाके आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शंस में जो आ रहे हैं ऑप्शंस वो है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन आपका इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी UPTTI, IIT लखनऊ, देन आपके पास इंस्टीट्यूट का जो ऑप्शन है इसके बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पे अम्बेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप कानपुर, IISCT भदोई, KNIT, देन आपके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, बिजनौर, आजमगढ़, देन आपका अम्बेडकर इंस्टीट्यूट अम्बेडकर नगर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, देन कन्नौज है आपके ऑप्शन में मैनपुरी एंड सोनभद्र, बनारस IIT हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस। इतने आपके पास कॉलेज है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड। तो हमने ये बात कर ली 55 कॉलेजेस के बारे में। ये 55 कॉलेजेस की आप चॉइस फिलिंग्स कैसे करेंगे, कॉलेज 55 नहीं है, आपके ब्रांच के साथ ये 55 कॉलेजेस हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग्स कैसे करनी है, पहले कॉलेज आपने देख लिए, ठीक है। अब इसमें भी आपके जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं IIT लखनऊ, BIT झांसी और KNIT सुल्तानपुर, जो कि नंबर 1 में आपके कॉलेजेस की पसंद है एंड ज़्यादा कट ऑफ भी जाएगा इनका, ज़्यादा कट ऑफ जिनके रैंक्स ज़्यादा अच्छे होंगे तो उन्हीं को ये कॉलेजेस भी अलॉट हो पाएगा। तो चॉइस फिलिंग ऐसे करनी है कि आपको कॉलेज अलॉट होना चाहिए, तो कॉलेज अलॉटमेंट के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल मौजूद होने चाहिए ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग्स। एंड कुछ भी नहीं फिल कर दीजिएगा, कुछ भी आप डाल देते हैं तो वो सब थोड़ा सा आप मिस्टेक्स मत कीजिए। बाकी चॉइस फिलिंग्स मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कैसे कैसे करिए। कॉलेजेस आपने देख लिए, समझ लिए, अब आप सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जब आप जाएंगे तो आपको प्राइवेट के बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे यहाँ पे कॉलेज आपके हैं, यूनाइटेड है, देन आपका अजय कुमार गर्ग IIT, KIKIT, कृष्णा इंस्टीट्यूट ABS गाजियाबाद, देन आपके पास है राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट BBD लखनऊ, आज़ाद इंस्टीट्यूट, देन आपके पास इंस्टीट्यूट है ग्रेटर नोएडा के जितने भी कॉलेजेस हैं आपके वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे, मेरठ इंस्टीट्यूट है, देन आपका मुरादाबाद इंस्टीट्यूट है, भगवंत इंस्टीट्यूट, IEC, JSS, देन आपके पास गलगोटिया का ऑप्शन है, देन आपके पास राम स्वरूप का ऑप्शन है यहाँ पे, IIMT का ऑप्शन है, GNIT, देन नोएडा इंस्टीट्यूट, देन आपके पास IMS गाजियाबाद, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, PSIT का इंस्टीट्यूट है, KIT कानपुर, GL बजाज, देन आपके पास ऑप्शन है हाईटेक का ITS इंजीनियरिंग कॉलेज, एक्यूरेट, द्रोणाचार्य, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पे। देखिए प्राइवेट सभी अपने आप में नंबर वन कहते हैं कि मैं भी नंबर वन हूँ, ABS गाजियाबाद। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है ये इंस्टीट्यूट्स में, कौन कौन सी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको कैसे ऑप्ट करने चाहिए अगर आप यूपी में ही रहना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत कॉलेजेस है, लिस्ट तो बहुत बड़ी है। ये देखिए आपके पास 1009 ऑप्शन हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, 1009 ऑप्शन, तो बहुत होते हैं ये कॉलेजेस। सारे चॉइस फिलिंग्स में नहीं डालने हैं, आप बहुत सारे ऑप्शन फिल भी कर देंगे तो आपको कॉलेज तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन वो बेस्ट है कि नहीं है आपको, वो कोर्स में ब्रांचेस कौन सी आपको ऑप्ट करनी चाहिए, तो ये सारी मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, चॉइस फिलिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अदर यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट थोड़ी सी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिस्ट आपके पास है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, देन आपके पास है MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली,
देन आपके पास ऑप्शन में है DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस, देन CSJM यूनिवर्सिटी आपके पास ऑप्शन है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है आपके पास, देन आपके पास ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके पास ये भी ऑप्शन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। तो कई सारी लखनऊ आपके पास कई सारी यूनिवर्सिटीज, लमसम 66 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं विद ब्रांचेस, तो आपके पास ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के भी कई ऑप्शंस हैं, लेकिन आप प्रेफर ये कोशिश कीजिए कि आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो मिल जाएं एंड आपके गवर्नमेंट एडेड जो हैं वो आपको मिल जाएं, देन आप यूनिवर्सिटीज़ को देखिए एंड देन उसके बाद आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर जाइए चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के ऑप्शन में, ठीक है, इस ऑप्शन में अब हम जाएंगे। अब आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से ऑप्शंस। अब मैं ऑप्शंस सारे ऐड करने जा रही हूँ, वन बाय वन आप ध्यान से देखते रहिए कैसे इसमें हम ऑप्शंस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस ऐड करिए, साथ साथ आप भी अपनी काउंसलिंग्स करते रहिए, वीडियो देखते जाइए एंड साइड में अपना आप लैपटॉप में इसको ओपन करके रखिए और चॉइस फिलिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम चॉइस फिलिंग में लगातार सबकी हम एक साथ में फ़ोन पे हेल्प नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो के द्वारा बता रही हूँ, आप ओपन कर लीजिए ब्राउज़र और UPSET की काउंसलिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस से, सेलेक्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड आपके इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आ गए। अब पहले नंबर पे ऑप्शंस हम रखेंगे IIT लखनऊ का, IIT लखनऊ में आपका ऑप्शन है CS, देन EC, देन आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेल्फ फाइनेंस, इसको चाहें तो आप बाद में रख लें लेकिन मैं इसमें पहले ही रख देती हूँ, इसमें सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन IIT लखनऊ, देन आपके पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे मैकेनिकल सिविल एंड आपके पास ऑप्शन है केमिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, ये आपका हो गया IIT लखनऊ। अब आप आइए KNIT सुल्तानपुर में, कंप्यूटर साइंस इसमें ब्रांच सबसे पहले, IIT ब्रांच इसमें सबसे पहले, मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आप फिल कीजिए। अगर आपकी रैंक ऑलमोस्ट 50,000 के विदिन है तो आप सबसे पहले CS, IT, सिविल, मैकेनिकल अपने तीनों ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की फिलअप कीजिए एंड देन उसके बाद अपने केमिकल के ऑप्शंस हैं, जितने भी अदर ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल या आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के ऑप्शंस हैं वो आप बाद में फिलअप कीजिए, ठीक है। तो अब ये आपका KNIT के ऑप्शंस मैंने फिलअप कर दिए हैं, सारे ऐड हो गए हैं आपके ऑप्शंस। अब हम आते हैं BIT झांसी में, BIT झांसी का कंप्यूटर साइंस, देन आपका EC, IT, देन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड केमिकल, ये ऑप्शंस आपके हो गए हैं। अब मैं इसको सेव कर दूं ताकि ये पोर्टल बंद कहीं से ये चॉइसेस, क्योंकि अगर आप लगातार सेव नहीं करते जाएंगे अपने ऑप्शंस को तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ सकती है। तो आप बीच बीच में सेव करते जाया करिए, क्योंकि अभी भी देखिए सेव नहीं हुई। डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस इन चॉइसेस? ओके, अब हो गए हैं ये सेव आपके चॉइसेस। अब मैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो ऑप्ट करने वाली हूँ वो आपके हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे ऑप्ट करूँगी। अब यूनिवर्सिटीज़ में देख लेते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी को मैं ऑप्ट कर लेती हूँ सबसे पहले, लखनऊ यूनिवर्सिटी CS ब्रांच, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS ब्रांच। देन मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट को यहाँ पे ऑप्ट करने वाली हूँ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम देखेंगे यहाँ पे पहले JSS में सबसे पहले CS ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल, EC, IT, देन आपकी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी आपकी जैसा प्रेफरेंस हो आप वैसे ऑप्ट कीजिए सारे ऑप्शंस को, ठीक है। देन JSS के बाद आप आ सकते हैं ABS गाज़ियाबाद या फिर गलगोटिया पे, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पे को भी हम पहले ऑप्ट कर सकते हैं। गलगोटिया ऑप्शंस मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, गलगोटिया, आप भी थोड़ा देखिए जी नीचे आएगा आपका थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे, अगर आपको कॉलेज कोई नहीं मिल रहा है तो अब यहाँ पे फिलअप कर लीजिए, यहाँ पे कॉलेज का नेम डालिए, गलगोटिया आप यहाँ पे फिलअप कीजिए, आ जाएगा आपका ऑप्शन CS, देन आपका ऑप्शन है CS डाटा साइंस, IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI डाटा साइंस। पहले ये ब्रांचेस गलगोटिया में मौजूद नहीं थी, गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट अब ये कुछ नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, तो ये अच्छी ब्रांचेस हैं, हम इनको ऑप्ट कर सकते हैं अगर हम प्राइवेट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो। गलगोटिया आपका ऑप्शन हो गया, देन आपके पास ऑप्शंस में आते हैं, गलगोटिया के बाद आपका ऑप्शन आ सकता है ABS गाज़ियाबाद, ABS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, EC, IT, डाटा साइंस एंड EC, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हो गए। देन आप ऑप्शन में लीजिए GL बजाज या फिर KIT को ले सकते हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, KIT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन आपके पास ऑप्शन में सिविल भी है यहाँ पे, मैकेनिकल भी है,
ठीक है, KIT आपका हो गया, ABS हो गया, देन आपके पास ऑप्शन में है GL बजाज, GL बजाज को ऑप्ट कर सकते हैं आप, GL बजाज इंस्टीट्यूट। इसमें आप कंप्यूटर साइंस, ECIT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, देन आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ऑप्शंस को आप फिल कर सकते हैं। अब आप इसको जाके सेव कर दीजिए, ठीक है। मैंने जितने भी कॉलेजेस आपको यहाँ पे बताए हैं, कुछ प्राइवेट, कुछ गवर्नमेंट एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो आपको जैसी भी आपको प्रिफर रखती है यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो तीन ही हैं, मैंने फिर बता दिया आपको, तीन आपके कॉलेजेस हैं। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस आपके, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आप बिजनौर, ये सब इंस्टीट्यूट्स जो आपके गवर्नमेंट के हैं, जो REC कॉलेजेस हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट है ठीक ठाक और आपके पास ठीक ठाक अमाउंट है, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऑप्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को पहले ऑप्ट कीजिएगा एंड उसके बाद आप कोई भी ऑप्शन देखिएगा आफ्टर 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ योर UP। ओके, तो आपका ये मेन आपके ऑप्शन होने चाहिए। AITH कानपुर को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छा है ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र, मैनपुरी एंड राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, अंबेडकर नगर, इनको भी अगर आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक जो भी है जेईई मेंस में, आपको GFTI कॉलेजेस अगर मिल पा रहे हैं, तो आप GFTI कॉलेजेस को पहले प्रेफर कीजिएगा। बस मैं यही कहूँगी, आप कॉलेज ऑप्ट अच्छा कीजिए। आपका जो 4 ईयर्स का बीटेक आप जो करने वाले हैं, अपना जो टाइम ड्यूरेशन देंगे 4 ईयर्स का, वो ऐसे कॉलेज में दीजिए जहाँ से आप बहुत अच्छी एक अपनी स्किल डेवलप कर पाएँ, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर पाएँ एंड काफ़ी लर्निंग कर पाएँ रिलेटेड टू इंजीनियरिंग फील्ड। तो ऐसे कॉलेजेस को ऑप्ट करना बहुत ज़रूरी है, भले वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो। तो ये सारे प्रायोरिटीज़ को आपको अरेंज करने के लिए आपको इन कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा स्टडी, थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी आपको मैं वन बाय वन कॉलेजेस की डिटेल्स तो नहीं दे पाऊंगी, बट मैंने चॉइस फिलिंग में जो भी आपको यहाँ पे गाइड किया है, आप इसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कीजिए। एंड बाकी आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है UPSET की काउंसलिंग्स के रिगार्डिंग, तो समाधान ईबुक में भी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेरी सेंड कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूंगी। सारी काउंसलिंग्स आप सभी स्टूडेंट्स की हो पाए अच्छे से, प्रॉपर वे में, बस यही हम चाहते हैं। एंड आप हमें ऐसे ही लाइक करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल द मेंटा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिए, ताकि उनकी सभी काउंसलिंग्स में आप उनको आसानी हो पाए। एंड आप ही का सपोर्ट एंड आप ही का प्रयास है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर पा रहे हैं और उनको हेल्प हो पा रही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग अस एंड कमिंग इन अवर टीम एंड हेल्पिंग अस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स डूइंग काउंसलिंग एंड वी आर एबल टू हेल्प देम बिकॉज यू आर हेल्पिंग अस एंड वी आर हेल्पिंग देम। सो थैंक यू बच्चों।